जी हमारी भतीजी पिंकी की शादी रहे, तो हम एक हफ्ता पहले मायके चले गए भाई, और उधर से पिंकी की मौसी भी आए गई रहे। तो अब जैसे हम दोनों चाय आए पियन बैठे, तो हमारी भौजाई कहें, पिंकू बुआ का सामान ऊपर बड़े वाले कमरा में रखो, बुआ आराम से रहें, और मौसी का सामान हमारे कमरा में छोटे वाले में रखो, मौसी एडजस्ट कर ले हैं। हम कहें, हाँ भाई हमारी बहुत तुमका ध्यान है, बुआ के आए से डिस्टर्ब ना हो, और दूर कहीं रख दो बुआ का सामान, दोनों बहनी कम से कम ससुराल की बुराई भलाई बुआ के सामने कैसे करियो, हमका बौरम समझे हैं। फिर जब देखो तब, अरे बुआ जो बताएं वही रीति रिवाज होएगा। हाँ तो हमऊ कहन, बुआ कौनो पगराइतिन है का, है कि कौनो पुरखिन दाइन है बुआ। इसके बाद चीची सुनो, शादी रहे लखनऊ से, तो वहाँ गेस्ट हाउस बुक रहे, तो जैसे सब लोग बाहर निकले लखनऊ जाए के लिए, तो कहीं टिंकू बुआ का सामान बड़ी वाली नौवा में रखो, हाँ और हमारे सामान जो है मौसी के साथ ब्रिजा में रखो, जिमा खाए पिए के सामान है। हम कहें, हाँ भाई दोनों बहने ससुराल की बुराई भलाई करियो, खात पियत चली जाइयो। अरे जिजी सुनत सुनत हमारे एकदम कान खड़े हो गए हैं। अब कहें, अभी बताई थे तुमका, जैसे वहाँ गेस्ट हाउस पे रुकी गाड़ी, हम कहें पिंकू बुआ का सामान बड़े वाले हाल कमरा में रखो, और मौसी का सामान मम्मी के साथ छोटे वाले कमरा में रखो। तो कहें, अरे नहीं जीत जी, आप तो बुरा मान गई, ऐसी बात थोड़ी ना, हम तो आपके आराम के लिए कह रहे हैं। हम कहें, भाभी हम आपके आराम के लिए कह रहे हैं।